हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम घर पे पाव भाजी बनाएंगे। मुंबई रोड साइड पे जो पाव भाजी बनते हैं उसी तरह से मैं घर पे और आसान तरीके से झटपट बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो होममेड पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में थोड़ा सा तेल डाल के गर्म कर लेते हैं। तेल गर्म होते ही थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं और जीरा को हल्का सा भूनेंगे। तो जीरा को हल्का सा भून लिया है, अभी हम सारे सब्जियों को एक एक करके तेल के अंदर डालेंगे। सब्जियों में लिया है आलू, गोभी, बीन्स, गाजर, बीटरूट। मैंने यहाँ पे 4 से 5 पीस बड़ा साइज का लाल रंग की टमाटर लिया है ताकि कलर अच्छा है और साथ में देखने में भी सुंदर लगे। तो सब्जियों को थोड़ा सा सौते कर लिया है, अभी हम इसमें डालेंगे मटर। सब्जियों को और 1 से 2 मिनट तक सौते कर लेती हूँ ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए, इसमें खाने का टाइम स्मेल नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि सब्जी अच्छे से पक जाए। उसके बाद 1.5 कप पानी डाल के अच्छे से मिलाकर 2 सीटी देंगे। 2 सीटी देने के बाद कुकर का जो प्रेशर है वो जब तक ना जाए तब तक हम ढक्कन नहीं खोलेंगे। तो देखिए सारी सब्जियां अच्छी तरह से पक गया है, अभी हम मैशर से सब्जियों को मैश कर लेती हूँ। यहाँ पे आप अपनी पसंद के मुताबिक सब्जियों को ज़्यादा या कम मैश कर सकते हो। भाजी का जो टेक्सचर है वो मैश करने के ऊपर निर्भर करेगा। तो मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से मैश कर लिया है। तो देखिए टेक्सचर आप देख ही सकते हो। तो भाजी को तड़का लगाते हैं। इसके लिए कढ़ाई पे 4 से 5 टेबलस्पून तेल और 1 टीस्पून बटर को मीडियम आंच पर साथ में गरम कर लेते हैं। उसके बाद कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को एकदम हल्का सा सुनहरा होने तक भूनेंगे। प्याज हल्का सा भूनने के बाद डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। जब तक न मसाला का कच्चापन न चला जाए तब तक मसाले को अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद डाल देते हैं ड्राई चिली का पेस्ट और बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। इस सब्जियों में थोड़ा सा खट्टा और तीखापन नहीं लगेगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। सारे मसाला को अच्छे से भून लिया है। तो मसाले के ऊपर थोड़ा सा कश्मीरी चिली पाउडर डाल देते हैं। तेल के अंदर लाल मिर्च डालने से कलर बहुत ही अच्छा आता है, आप देख सकते हो कलर कितना अच्छा आया है। मसाला ना जले तो इसीलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। इसमें आधा जो मटर रख दिया था अभी हम इसमें डाल देते हैं। तो 2 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि मटर फ्राई के साथ साथ अच्छे से पक भी जाए। मटर का कलर भी चेंज हो गया है, मतलब ये फ्राई हो गया है। तो अभी हम इसमें मैश किया हुआ वेजिटेबल को मसाले के अंदर डालेंगे, साथ में ये धोकर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिला देते हैं सब्जियों को और 4 से 5 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाए। तो फिर से थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। पाव भाजी का जो मसाला है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो सब्जियाँ उबलने के टाइम नमक डाला था तो ध्यान से आप नमक डालें। तो लास्ट में डालेंगे पाव भाजी मसाले और बहुत सारे धनिया पत्ता। तैयार है पाव भाजी मसाला, तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है, खाने में सच में बहुत ही टेस्टी था। आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करें। रोड साइड पे जो मसाला बनकर तैयार होते हैं उसी टाइप के लग रही है देखने में। तो मसाला को प्लेट में निकल लेते हैं और थोड़ा सा रख देंगे कढ़ाई पे। इस मसाले के ऊपर थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा धनिया पत्ता डालकर अच्छे से मिला देंगे। ऊपर से पाव को मसाले के ऊपर डालेंगे, बीच में थोड़ा सा बटर भी ऐड करेंगे क्योंकि रोड साइड पे पाव के ऊपर मसाले लगी रहती है। पाव को थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि मसाला पाव के ऊपर लग जाए। तो अभी एक साइड हो गया है, दूसरे साइड को पलट देंगे। तो इसी तरह से पाव को दोनों साइड सेक लेते हैं।
और सेकने के बाद प्लेट में सर्व करेंगे। पाव भाजी बनाना बहुत ही आसान है, आप घर पे एक बार जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। तो मसाले के ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा बटर डाल देती हूँ ताकि देखने में भी सुंदर लगे। मुंह में पानी आ गया है, थोड़ा खा लेती हूँ। तो मुझे तो बहुत पसंद आया, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और साथ में शेयर करना भी ना भूलें। नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।